लेकिन मुझे वहां तक पहुंचना है, ये बोला उन्होंने. क्या बात है, क्या मुझे वो ए ले, ए ए ए लेवल या ए लिस्टर, ए लिस्टर जी बनना है. नमस्ते, मैं हूं धर्मेश दर्शन और आप मुझे देख रहे हैं ऑन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट चैनल. यस वॉज द नेम, यस बॉलीवुड ठिकाना. अक्षय कुमार जी की एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूं आपको कि जब हम थुम लेक पे थे स्विट्जरलैंड में, तो हम शूट कर रहे थे ना ना करते प्यार, तो उसका एक आखिरी पोर्शन है, बहुत हैंडसम लग रहे एक टक्सीडो में ब्लैक जी, और शिल्पा शेट्टी उन लोग एंड में वो थोड़ा वॉल्स कर रहे हैं एक स्मॉल बोट के ऊपर. तो कुछ वजह से मैं खुश नहीं था, तो मैं चुप हो गया था क्योंकि मेरी अक्षय से इतनी दोस्ती भी नहीं थी और मैं इतने टॉप पे था. मैं ज़्यादा डांटना वाटना समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. उनका तरीका काम करने का अलग फिल्मों का था उस वक्त, तो मैं थोड़ा चुप हो गया. तो अक्षय जी की मैं आपको, इतने इंटेलिजेंट आदमी है. अब आमिर खान भी बहुत इंटेलिजेंट है, अक्षय, ये दोनों. तो आप सोचिए, मैंने कोई बैर नहीं रखा. मेरे लिए आप ये लेवल इंटेलिजेंस हो या अलग हो, आपको सूट करना चाहिए रोल. तो हम, मुझे याद है उन्हें मुझे बुलाया, बोला आप उनसे बात नहीं कर रहे, कुछ नाराज़ है. तो मैंने उनको स्ट्रेट बोल दिया कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो मैं पसंद नहीं कर रहा. हाँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ एज अ डायरेक्टर. और रियली मेरे आपसे इतनी दोस्ती है, मैं डांट भी सकता हूँ आपको, मेरी पोजिशनिंग वो है और आपके लिए धड़कन बहुत ज़रूरी फिल्म, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आपको. तो मैंने बोला हाँ जी अक्षय जी, मैं कुछ खुश नहीं हूँ, स्ट्रेट बोल दिया मैंने. तो उन्होंने बोला अरे धर्मेश जी, उन्होंने मुझे एक्चुअली, मुझे उस वक्त एक एक ग्रेड, अभी मैंने राजीव मस्तन जी का भी एक इंटरव्यू किसी ने मुझे भेजा और राजीव मस्तन ने पूछा उनसे कि वॉज धर्मेश दर्शन द फर्स्ट ए ग्रेड डायरेक्टर उस वक्त जो थे जिन्होंने आपके साथ काम जी किया. जी मैंने भी देखा जी, अक्षय जी ने कबूल भी किया वो. एनीवे ये बात मेरे लिए बोलने के लिए नहीं, लेकिन अब सब जब कह रहे हैं जी. तो मुझे लगा अक्षय जी जहाँ आज है, मुझे लगा जब सब लोग बुराई कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं ये बन सकते हैं अगर ये इनको करेक्ट प्रेजेंटेशन दी जाए, करेक्ट फिल्में करें. तो रिस्क मैंने अपने करियर पे वहाँ पे ले लिया. बिल्कुल. और बोला उन्होंने? हाँ, और उन्होंने मुझे क्या बोला कि ये उनकी बड़प्पन है, कि उन्हें बोला धर्मेश जी एक्चुअली मुझे आपके लेवल के डायरेक्टर्स के साथ, आप नए होंगे चाहे दो तीन फिल्में, लेकिन मैंने 10 साल से मैं बहुत फिल्में करता हूँ. मुझे डायरेक्टर्स ने या तो ऐसे बोला या ऐसे बोला, किसी ने इतना, ये स्कूल ऑफ एक्टिंग, ये स्कूल ऑफ, इतना कोई नहीं सोचता. हाँ, नहीं सोचता सच्ची. तो अभी लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचना है, ये बोला उन्होंने. क्या बात है, मुझे वो ए लेवल या ए लिस्टर, ए लिस्टर जी बनना है. अभी शायद उस वक्त मैं A1 लिस्टर पे भी था, इफ आई मे से, यू नो. एंड आप समझ सकते हैं राज हिंदुस्तानी का, अगर A1 भी उससे भी ज़्यादा हो तो ऑलमोस्ट वो था. तो एक बार भी वो एक फेज के लिए डायरेक्टर हो जाए, एक्टर होते हैं, डायरेक्टर कभी नंबर वन नहीं होता, लेकिन मेरे साथ वो हुआ, यू नो. तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ मुझे समझाई कि बोले आप मुझे, उनको मालूम था मैं धड़कन और मैं राज कपूर का फैन हूँ जी. तो उन्हें बोला आरके का, जैसे आरके का एम्ब्लम आपने देखते ना, नरगिस जी हो या वॉयलिन हो, वो ऐसे है जी. तो उन्होंने बोला देखिए धर्मेश जी, मैं आपके साथ पूरा एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, आप मुझे ऐसे झुकाए, ऐसे झुकाए या ऐसे झुकाए, मैं ऐसे बन के रहूँगा. क्या बात है, बस आप मुझे प्रेजेंट कीजिए. कोमल जी, उस वक्त मैं अकड़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ अच्छा. मैं इतना खुश हो गया कि उन्होंने इतना भी समझा. तो मैंने बोला आइए अक्षय जी, अब आप देखिए, आपने इतना भी तमीज़ रखी, मुझे अब मेरा काम करने दिया. फिल्म लाइन में ना डायरेक्टर काम ही नहीं कर पाता, इतनी चीज़ें उसको सेट पे संभालनी पड़ती है बॉलीवुड में. इट्स नॉट लाइक हॉलीवुड या साउथ. बिल्कुल. यहाँ पे बहुत चीज़ें डायरेक्टर्स को, सब डायरेक्टर ही देखता है, सबको, डायरेक्टर को, सब लोगों को हैंडल करना. और यानी चले छोड़े. नमस्ते, मैं हूँ धर्मेश दर्शन और आप मुझे देख रहे हैं ऑन द फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट चैनल. यस वॉज द नेम, यस बॉलीवुड ठिकाना.